पर धागे से कपड़े बनाते तो आपने बहुत से लोगों को, खासतौर पर खातीन को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी आर्टिस्ट से जो धागों और डोरियों का इस्तेमाल करती हैं, तस्वीर बना देती हैं और तस्वीरें तस्वीर बनाती हैं। कराची की अफशीन नदीम अपने टैलेंट से सबको हैरान कर रही हैं। वो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट भी बना चुकी हैं। इस आर्ट का नाम क्या है और किससे सीखा और कितना मुश्किल है, तो देख के बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अफशीन हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल काम और इतनी सफाई और नफासत के साथ माशाल्लाह से, सीखा किसी से और कितनी देर में सीखा? सीखा तो नहीं, ये आप समझिए कि 2014 में मैंने देखा था, एक छोटा सा बैग देखा था एक लड़की के हाथ में और मैं उसके पीछे लग गई थी कि ये क्या चीज़ है, और वहीं से फिर इट्स सेल्फ टॉट। तो वहाँ से सीखते सीखते, तो फिर इसको मकरामे बोलते हैं, मकरामे बोलते हैं इसको, और फिर 2018 में इसको मैंने जो है एज अ प्रोफेशन आप समझे कि अडॉप्ट कर लिया, हॉबी से ये एज अ बिजनेस जो है वो टर्न हो गया। अच्छा, ये आपने मकरामों का नाम लिया तो मुझे मेरी एकदम से अम्मा याद आ गई, क्योंकि वो आपको ना पता है कि पहले घरों में मकरामे हम देखते थे, उससे बनी हुई चीज़ें लटकी हुई होती थी, इवन खाली बॉटल के इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत सी चीज़ बन जाती थी। अब ज़रा रुझान भी ख़त्म हो गया है, तो अब आपने देखा कि जब आप इस चीज़ की तरफ आई, इस चीज़ को आपने देखा, सीखा, काम किया, तो आपको शायद पता चला होगा रुझान ख़त्म हो गया है और अब यकीनन लोग जो देख रहे हैं ना वो इंस्पायर भी हो रहे होंगे। ऐसा ही है, ऐसे है कि जिस तरह से ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ये गया था 80s के अंदर, ये गायब हो गया था, एंड देन ये अभी जो है 2005-2004 के अंदर ना ये वापस आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी अभी काफ़ी हद तक फ्लोरिश हो गया है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को गैदर किया है अंडर द ग्रुप जिसका मकराम मेकर्स ऑफ पाकिस्तान का उसका नाम है, और यहाँ पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को सिखाऊँ भी, और जिन लोग के अंदर टैलेंट था वो चुप करके बैठ गए घरों में, उनको इकट्ठा भी करती हूँ। आप यकीन करें काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को भी वापस ले आई हूँ कि अंकल आंटी हमें सिखाएं, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं जो ये इकट्ठे हो गए, अब हम चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो पौधे वगैरह लटकाने के लिए प्लांटर्स, अब तो ऐसा है कि मैंने हैमक्स भी काफ़ी सारे बनाए हैं, स्विंग्स बनाए हैं फ्रॉम फर्नीचर, ज्वेलरी, प्लांटर्स, एवरीथिंग आप मकरामे में बना सकते हैं। अच्छा, इस नए दौर में, इस डिजिटल AIR दौर में हम देख रहे हैं कि आप हाथ से ये तमाम तर चीज़ें कर रही हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? एक तो ये, दूसरा ये कि जो बाबा कौम का आपने पोर्ट्रेट बनाया है, इसकी क्या इसकी लेंथ थी और इसके अलावा आपने कौन कौन से पोर्ट्रेट्स मज़ीद बनाए? जी, अभी देखिए आपने पहले कहा कि आजकल डिजिटल दौर है। अच्छा, इसके अंदर भी हर्डल यही था मेरे पास कि हमारे पास पाकिस्तान में वो सॉफ्टवेयर नहीं है मकरामे का कि जिससे हम पिक्चर को तोड़ते हैं इन ग्रिड्स। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेकर्स से जिस तरह वो कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट की कि मुझे बता दें, उन्होंने नहीं मतलब हाथ ही नहीं पकड़ाया जी, रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। तो वहाँ से फिर मैंने क्रॉस स्टिच का पैटर्न एक लिया, वेबसाइट थी फ्री, उसके अंदर मैंने कायद आज़म की तस्वीर को ग्रेडिंग की। तो डिजिटली तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसमें लैकिंग में है। अच्छा, फिर ये हुआ कि हाथों से बनाना जो है वो इटसेल्फ एक आप समझे कि वो यूनिक आर्ट हो जाती है, इतनी एफर्ट लग रही होती है, तो इसमें टोटल जो मिनिमम आवर्स में लगे हैं वो 450 आवर्स लगे हैं इन 24 डेज, यानी कि आप समझेंगे 18 से 19 घंटे डेली काम होता था। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं दैट इज़ 4.3 इंचज़ वाइड है और 5.4 इंचज़ ये लंबा है, और इसका जो वेट है वो 25 किलो तक हो चुका है, 3 लोग मिलकर इसको उठाते हैं। अच्छा, ये बहुत हैवी है, अब ये उठा नहीं सकते आप अकेले। तो अब मैं जो है वो आपके एक बाल की एक पिक्चर पीछे लगी हुई है, मैं ये पोर्ट्रेट सेम ये अटेम्प्ट कर रही हूँ, ये अभी अभी देख के आपको ख्याल आया? नहीं नहीं, ये मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने कायदे आज़म बनाए थे तो एक पता नहीं क्यों मिसिंग लग रहा था कि आई शुड डू एक बाल ऑल्सो, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, इंशाल्लाह 9 नवंबर तक वो भी रिलीज हो जाएगा। तो फिर अच्छा, अब जैसे आपने माशाल्लाह से इतना काम किया और माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी आप चीज़ें बना भी रही हैं, तो यकीनन अब लोग अपने घरों की डेकोरेशन के लिए भी चीज़ों के लिए आपसे रुझू करते होंगे कि ये बनवाना है या वो बनवाना है, तो एक बड़े अच्छे तरीके से आप प्रोफेशनली भी इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। तो मतलब जाहिर है जो जो खवातीन देख रही हैं और ये काम शुरू करना चाहती हैं, कितनी कमाई हो जाती होगी? देखिए, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे या आपके लिंक्स कितने एक्टिव हैं। अगर आप 2 दिन भी चुप करके बैठ जाएंगे ना, आपके ऑर्डर्स गायब। आपने कम्प्लीटली इंटरेक्शन में रहना है, लोगों को काम करके दिखाना है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में तो 8 महीने आई वॉज जस्ट वर्किंग और कोई ऑर्डर्स नहीं आते थे, कुछ नहीं, लोग देख रहे थे खाली चुप करके ना, समझ आ रही थी क्या है। फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने देखना शुरू किया, ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए, और अब इस तरह से है कि आप मेहनत करते जाएँ आता जाएगा काम। यही मैं जानना चाह रहा था, अब ये बिजनेस मॉडल जो है रेवेन्यू जनरेशन की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि अब आप ग्रुप एक पूरा फॉर्म कर चुकी हैं, हॉबी से इसका आगाज़ हुआ और वो हॉबी है प्रोफेशन में बन गया, तो लोग देख रहे हैं इस वक्त जो, और ख़ासतौर पर ये जो क्वारंटीन वाला पीरियड, इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ आ जाए तो ये बड़ी एक ओवरवेलमिंग चीज़ है कि अगर आप घर में बैठ के भी शौक से प्रोफेशन और प्रोफेशन से कमाई करना चाहते हैं
तो ये जरा देखने वालों को हमें गाइड करती है। ऐसे ही देखें, जस्ट लाइक निटिंग, हम स्वेटर बुनते हैं, उससे आपको पता है कि आसानी से लोग कमाते हैं, क्रोशिया है, सेम मकरामे भी ऐसे ही है। इसके अंदर फ्रॉम, जैसे कि मैंने बोला, ज्वेलरी से लेके आप जैकेट्स, स्लीपर्स, फर्नीचर, एनीथिंग, व्हाटएवर इज योर इमेजिनेशन, वो बन सकता है। ठीक है, टेबल के कवर आप बना लें, फ्रिज का कवर बना लें, ओवन का कवर बना लें, तो आप जो है इसको आप इकोनॉमिकल लेवल पे भी अगर आप देखें ना, तो आप हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और लोग कर रहे हैं, मेरे अलावा भी और कई लोग ऐसे हैं जो अब साथ आ गए हैं, और हम आहिस्ते आहिस्ते बिजनेस को अपना बढ़ाना, वही बात, मेहनत करो और कमाओ कमाओ। तो इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बेसिक चीज़ पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि आपके ये नेक एंड शोल्डर पे जो है कंप्लीट स्ट्रेस पड़ता है, तो आपने ये दो चीज़ें अगर मैनेज कर ली तो आप, और आपकी पूरी टीम है जो काम करती है, मैं इट्सेल्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअली मैं काम कर रही हूं, और बहुत सारे लोगों को अब आप सिखा भी रही हूं, अब मैं सिखा भी रही हूं, और मैं चाहती हूं कि लोग मजीद सीखें, क्योंकि ये एक ऐसी आर्ट है कि जिससे आप, मैं सोचूं कि इमेजिनेशन जितनी आपकी वास्ट होगी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आप अगर जैसे कोविड के माहौल में घर भी बैठे हैं, तो आप वहां से भी कमा सकते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, और अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप बिल्कुल रابطہ कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं और अपने हुनर को मजीद निखार भी सकते हैं।